हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट 15। हम अदर मेथड डिस्कस कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो उसके अंदर ये मेथड है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इससे पहले के जो 14 पार्ट्स हैं वो हम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर मैं सिंपल तरीके में बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऐसा होता है कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, कितना कॉस्ट इनकर किया एंड बदले में आपको कितना इनपुट मिला। दैट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब इसको थोड़ा ब्रॉड वे में देखते हैं व्हाट एक्चुअली इट इज़। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप दो चीज़ों की इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करते हो फाइनेंशियल टर्म्स में। पहला, पर्सनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। आपका जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है या जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। ये सारा एक्टिविटीज़ किसका पार्ट होता है? ये पर्सनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक तो इसकी इफेक्टिवनेस, दूसरा द पीपल दैट यू हैव हायर्ड, हाउ यू आर यूजिंग, हाउ इफेक्टिवली यू आर यूजिंग दोज पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों चीज़ों की इफेक्टिवनेस हम कैसे मेजर करते हैं फाइनेंशियल वे में? थ्रू ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द पीपल। सो दे आर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ट्राइज टू प्लेस अ वैल्यू ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स एज एन असेट नॉट एन एक्सपेंस। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिसोर्स लेकर आते हो तो आप क्या चाहते हो कि वो रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो एज एन असेट्स रादर देन एक्सपेंस। क्योंकि एसेट होगा तो ही आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, और अगर एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आपको लॉसेस देगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उनके अंदर क्या, उनके पीपल के लिए क्या इन्वेस्टमेंट किया और कैसे उन पीपल्स की वैल्यू चेंज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये सारा जो रिकॉर्ड है वो किस में होता है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। तो जो वैल्यू होती है एम्प्लॉयज की वो कैसे इंक्रीज करती है कंपनी? बाय डूइंग सम इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी ह्यूमन रिसोर्स की, जितने कैपेबल आपके एम्प्लॉयज होंगे उतना ही उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो अल्टीमेटली किसको फ़ायदा होगा? कंपनी को फ़ायदा होगा। तो आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए जो कंपनी होती है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, और वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करती है? आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे दी, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर दिए, या फिर जो स्किल्स, जब आप बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं एम्प्लॉयज विच आर वेरी वेरी बेनिफिशियल टू दी कंपनी। तो जब आपके क्वालिफाइड या कॉम्पिटेंट पीपल जब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन एसेट, जो ह्यूमन एसेट की जो वैल्यू होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट डिक्लाइंस और दैट डिक्रीजेस, गोज डाउन। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो बहुत ही एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होता है कंपनी उसको जनरली ईजिली छोड़कर नहीं जाने देती कंपनी, क्योंकि उनको पता है ये उनके लिए एक लॉस होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस मेथड में आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में कैलकुलेट करते हो। ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट इंक्लूड जो एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हायर करने में, उसको ट्रेन करने में, उसको जो आप कॉम्पनसेशन दे रहे हो एंड जो आप उसकी डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, तो इन सब का एक कॉस्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब आप लेबर की प्रोडक्टिविटी को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हो तो
तो वो आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन कि हमने इस एम्प्लॉय में इतना इन्वेस्ट किया है, और इन रिटर्न जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो जो कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होते हैं हम उसको स्टैंडर्ड बना देते हैं फॉर कंपैरिजन। अब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी, वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस किसके टर्म्स में मेजर होती है, जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कब अच्छी मानी जाएगी, जब उसका कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा उस कॉस्ट से जो कि कंपनी ने उस पर इनकर किया है, और अगर उसकी कंट्रीब्यूशन इज लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड तो वो क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव है। तो एचआरए में सिंपल टर्म्स में किसके बीच में कंपैरिजन होता है, द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड टू हायर ट्रेन कॉम्पनसेट एंड डेवलप द एम्प्लॉयज एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड्स टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में आप कंपेयर करते हो। तो पॉजिटिव मतलब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कॉस्ट से, नेगेटिव परफॉर्मेंस मतलब कॉस्ट ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन से। ये टेक्निक फुली डेवलप नहीं है, इट इज़ स्टिल इन द ट्रांजिशनरी स्टेज। सो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।